हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुमित राव। दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, और बहुत से भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखा है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और लेकिन उन्होंने नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है, तो नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके दोस्तों, वीडियो का बैनर तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ओके, तो कई भाई ये एक मिस्टेक के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं आज की वीडियो में। ओके, तो एक मिस्टेक करते हैं वाइंडिंग के बाद, और मुझे ज़्यादातर कमेंट आते हैं इस चीज़ को लेकर कि सर, हमने मोटर को वाइंडिंग किया है, पंखे को वाइंडिंग कर लिया है, फराटा को, कूलर को, लेकिन उसमें स्पीड नहीं आ पा रही है। अब डाटा भी हमने ठीक लगाया था, जो निकला था वही लगाया था, या फिर कहीं पर देख के लगाया था, लेकिन स्पीड नहीं आ पा रही है। देखिए होता क्या है कि जब आप कहीं से डेटा लेते हैं, ओके, तो वो उसमें उस डेटा के अंदर हमेशा एक चीज़ होती है कि क्वाइल साइज थोड़ा सा हमेशा बड़ा होता है, और टर्न थोड़े से एक्स्ट्रा ही बताए जाते हैं ताकि किसी की मोटर जले नहीं। और क्वाइल साइज इसलिए बड़ा बताया जाता है कि आपकी मोटर में जो क्वाइल है वो आराम से आ जाए। अब मान लीजिए डाटा के हिसाब से आपका स्टेटर साइज 1.25 इंच का था, वही डाटा आपने 1.5 इंच की मोटर के अंदर लगा दिया। अब कॉइल साइज उसमें काफ़ी अच्छे से अच्छा बड़ा हो गया, मोटर तो आराम से रिवाइंड हो गई, कॉइल साइज भी बड़ा था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट यही हुई कि उसमें स्पीड नहीं आ रही है। जब हम कॉइल का साइज बड़ा कर देते हैं किसी भी फैन की मोटर में, कूलर की मोटर में, जिसमें बारीक गेज होता है, ऐसी मोटर में तो उसकी स्पीड पर फर्क पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि रेजिस्टेंस की बात है। ओके, क्योंकि जितना कम रेजिस्टेंस होगा मोटर उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से चलती है, एंड जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही मोटर स्लो हो जाती है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस का फर्क आ जाता है। ओके, तो हमेशा 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 मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी मोटर को रिवाइंड करें तो एक बार उसका कॉइल साइज हमेशा अपने से लेना जरूर चाहिए कि ये इसको कॉइल जो है, जो इसमें बता रखा है, उससे अगर मैं 1 इंच कम करके चलूँ तो वो कॉइल आएगी या नहीं आएगी, वो पक्का कर ले। अगर आपने उसको चेक किया, उसका मापा धागा डालकर या तार डालकर कि कॉइल साइज हम इसको 1 इंच छोटा करते हैं तो क्या होगा, तो ऐसे में अगर कॉइल आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आपकी स्पीड अच्छी आ जाएगी। मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप कॉपर से रिवाइंडिंग करने जा रहे हैं तो आपका आपका जो तार है वो बच जाएगा, तो सबसे बड़ी बात है स्पीड अच्छी आ पाएगी। अगर स्पीड अच्छी आएगी तो ग्राहक काफ़ी ज़्यादा खुश होगा। ओके, अगर स्पीड नहीं आएगी तो आपको क्या होगा, आपका नुकसान ये होगा, आपका एक तो तार फालतू लग जाता है, थोड़ी बड़ी कॉइल में स्पीड भी नहीं आ रही है, ऊपर से आपको एक कैपेसिटर फ्री में लगाना पड़ेगा उसमें स्पीड बढ़ाने के लिए, उससे भी उसका काम नहीं चलेगा, उसके जलने के चांसेस और बढ़ जाएंगे, कुछ टाइम बाद फिर वो जल और जाता है। तो ये गलती कभी ना करें किसी भी मोटर के साथ कि जितनी कॉइल उसको, ठीक है, जिसको उसको फिक्स करे, कॉइल को एक देखें, उसको नापें, उसी हिसाब का कॉइल बना के उसमें लगाएं। कभी ये ना देखें कि एक डाटा लिखा हुआ है उसमें कॉइल साइज क्या है, किसी डाटा में 1 इंच बड़ा मिलेगा हमेशा, किसी में 1 इंच छोटा मिलेगा, और ज़्यादातर डाटा में कॉइल साइज थोड़ा बड़ा कर ही देते हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो, मोटर के अंदर कॉइल जो है तार खराब ना हो, इसलिए बढ़ा ही देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यही एक प्रॉब्लम होती है। और एक प्रॉब्लम होती है, कई भाई क्या करते हैं कि तार के जो टर्न होते हैं, टर्न बढ़ा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, डाटा में अगर टर्न बढ़े हैं और कुछ लोगों ने भाई ने बढ़ा दिया है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हाँ जी, तो सबसे मेन प्रॉब्लम यही होती है कि कॉइल की लंबाई। ओके, ये सबसे मेन देखने को मिलती है। कई भाई एल्यूमिनियम में रिवाइंडिंग करते हैं एंड वो क्या करते हैं कि कॉइल को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, एक तो डाटा में जो है उससे भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। वो इसलिए बढ़ा देते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा तार आसानी में डालने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि तार आसानी से डल जाएंगे तो क्या होगा कि कम मेहनत लगेगा, तो मेहनत के चक्कर में मोटर की स्पीड को ख़राब कर देते हैं। अब एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में पहले रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ऐसे में क्या होगा कि उसकी स्पीड कम होनी ही होनी है। तो हमेशा टाइट वाइंडिंग करिए, ठीक है, टाइट वाइंडिंग करेंगे तो आपको कॉइल थोड़ा खींच खींच के तो डालना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत आपका ज़्यादा होगा, हो सकता है आपकी उंगली यहाँ से कभी कभी ऊपर भी जाती है, वो भी होने लगे, ठीक है, तो घबराइए मत।
जितना आप टाइट वाइंडिंग करेंगे उतना ही आपका जो है अनुभव बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा आपका जो है हैबिट जो है इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, और उसी हिसाब से आप अच्छे से काम कर पाएंगे। लेकिन जितना ढीला डालने की कोशिश करेंगे उससे आपकी मोटर की स्पीड खराब होती है, आपकी जो रेपिटेशन है वो पूरी की पूरा खराब होती है, आपकी शॉप की जो भी है, कि आप ग्राहक को बार बार ऐसे ही काम करके देंगे, ऐसा ही स्लो काम करके देंगे, स्लो घूमने वाली मोटर बना के देंगे तो ग्राहक आने वाला नहीं है, वो कहेगा कि भाई ये तो बहुत स्लो हो गया यार, किसी और से करवाते रिमाइंडिंग। तो यही प्रॉब्लम होती है, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम कॉइल की ही होती है, और जो बड़ी मोटरें होती है उनमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखी जाती। वो इसलिए नहीं देखी जाती क्योंकि वो तार मोटा होता है और उसमें रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, लेकिन बारीक तार में रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, और कॉइल साइज को आप बढ़ा करके उसको लटका करके आप मोड़ देते हो और क्या होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाता है, उस कारण क्या होता है कि मोटर स्लो हो जाती है। अब कई भाइयों के इस पे सवाल भी होंगे कि सर क्या हम कॉइल तो लंबी कर लें, उसके अंदर के तारों को टर्न को कम करके क्या काम चल जाएगा? तो इसका मैं जवाब देना चाहूँगा कि भाई कई भाई सोचते हैं कि जो भार की लंबाई है कॉइल की वो काम आ रही है, ओके, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं आती। जितनी भी तारें स्टेटर के अंदर से जा रही हैं बस उसी के अंदर मैग्नेट फील्ड बनता है, जो भार की वो सिर्फ फालतू है। अगर उसको भार आप फालतू रखेगा तो वो रेजिस्टेंस तो कर सकती है, ओके, रेजिस्टेंस को वो बढ़ा तो सकती है, बाकी फ़ायदा कुछ नहीं कर सकती। तो आप कॉइल को इतना टाइट करके रखें, मतलब कि टाइट ही डालें, लूज ना रखें उसको कि भार वो पड़ा रहे या उसको मोड़ दो, आप इतना नहीं होना चाहिए। कई भाइयों के इस सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा, कई भाई कहते हैं कि तारों को अगर अंदर से कम कर दे, कॉइल को बढ़ा दे, अंदर से टर्न कम कर दे तो क्या होगा? तो क्या होगा कि मोटर की जो आपकी मोटर है वो जल जाएगी, ओके, ऐसी कंडीशन में उसकी ताकत भी कम हो जाएगी, क्योंकि तार जितने ज़्यादा तार उसमें आप लगाओगे अंदर उतना ही अच्छा मैग्नेट फील्ड बनता है, ठीक है, लेकिन आप जितना भार उसको बढ़ाओगे तो उतना ही उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और मोटर आपकी स्लो होगी। तो अंदर जितने टर्न डालने चाहिए डेटा के हिसाब से अंदर उतने ही डालो, बस कॉइल को जितना छोटा करके उसको खींच खींच के डालने की कोशिश करोगे उतना ही मोटर आपका अच्छी स्पीड में चलेगा, और कभी भी डाटा से ऊपर आप टर्न को ना बढ़ाएं। टर्न बढ़ाने से भी यही प्रॉब्लम होती है जो मैं बता रहा हूँ रेजिस्टेंस वाली, कि रेजिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है पतले तार का। तो कुछ अच्छी स्पीड लेना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए डाटा में 200 टर्न है तो 200 ही डालिए, अगर उस पर भी आपको अच्छी स्पीड नहीं मिल रही है तो थोड़े से कम करके डालिए 5-6 टर्न, तो उससे अच्छी स्पीड मिलती है, टाइट कॉइल को ही डालिए खींच करके। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो बनाना बस यही था, यही बताना था आप लोगों का मेरा मकसद, कि आप जो गलती कर रहे हैं छोटी सी गलती है, दिखती भी नहीं है, सबको लगता है कि अच्छे से रिवाइंड करी, अच्छे से दिख भी रही है वाइंडिंग, अच्छे से धागा भी मारा, सब कुछ अच्छे करे, कनेक्शन भी अच्छे करे, कॉपर भी लगाया हमने, तो उसमें बस स्पीड नहीं आ रही है। उस स्पीड का कारण ही यही है कि बस आप कॉइल की लेंथ को घटा के देखो फिर स्पीड उसमें देखना। जी हाँ दोस्तों, और कई भाई ये गलती और भी कर देते हैं कि स्टार्टिंग में थोड़े तार टर्न बढ़ा देते हैं, तो ये भी एक बड़ी गलती है। स्टार्टिंग में अगर आप टर्न बढ़ा दोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बस आगे से ये ध्यान रखना और कस कस के मोटर को बांधना, ओके, ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बस पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ओके, एंड जितने भी भाई हैं इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रॉनिक वाले प्लीज़ शेयर करिए वीडियो को, और चैनल को पहले ही बोल चुका हूँ सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले किसी वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।